अभी बस मैं यही कह सकता हूँ कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद आगे बढ़ता जा रहा है। ये सच है, हमें मोहम्मद का दिन नहीं चाहिए। अब यही कारनामे करते हो? हाँ करता हूँ। ये मोहम्मद ने हमें किया क्या है? मोहम्मद ये वही कर रहा है। ये सारी परेशानियां हमें उसकी वजह से ही पेश आ रही हैं। मैं जाऊंगा और अपनी तलवार से उसका कत्ल कर डालूंगा। हजारों लोगों का खून बहने से अच्छा है कि दो लोगों का ही खून बह जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया तो उस वक्त हजरत उमर की उम्र 27 साल थी। उस वक्त हजरत उमर कुरैश में बहुत ऊंची हैसियत के मालिक थे और मक्के के बड़े ताजिर में शुमार होते थे। उनके भाई जैद बिन खत्ताब और बहन फातिमा बिनत खत्ताब और बहनोई सईद बिन जैद ने जल्द ही इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उमर अपने बाप दादा के मजहब पर सख्ती से कायम रहे और डटकर इस्लाम की मुखालफत की और मुसलमान हो जाने वालों को मारते पीटते थे। मारते पीटते 6 साल गुजर गए, लेकिन उमर किसी एक इंसान को भी इस्लाम से न फेर सके। इस दौरान में कुछ वाक्य ऐसे पेश आए जिनके वजह से वो सख्त उलझन में पड़ गए। कभी इस्लाम की तरफ मायल होते तो कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत महसूस करते। इसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुरैश के काफिरों ने मशहूर कर रखा था कि वो जादूगर हैं। उस जमाने में एक रोज उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ते देखा तो वो वहाँ पीछे खड़े हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरतुल हक की बुलंद आवाज में तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के कलाम ने उन पर बहुत असर किया। उन्हें यकीन हो गया कि आप न तो जादूगर हैं और न शायर, और दिल में इस्लाम के लिए नरमी पैदा हो गई। लेकिन बाप दादा का मजहब छोड़ने पर अब भी तैयार न हुए। कासिम बिन उस्मान की रिवायत में आया है कि एक दिन तबीयत ने जोश मारा, इरादा किया कि जिस हस्ती की वजह से वो उलझन में है क्यों न उन्हें ही खत्म कर दिया जाए। चुनांचे नंगी तलवार हाथ में लेकर निकले। रास्ते में एक मुसलमान नोएम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, खैर तो है, नंगी तलवार लिए कहाँ जा रहे हो? तलवार लेकर बाहर निकले हो, सब खैरियत तो है? बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर आपने मोहम्मद का कत्ल किया तो अब्दुल मनफ कबीले के लोग आपको चीनेंगे? नोएम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि पहले अपने घर की खबर तो ले। क्यों ना तुम अपने पहले घर चले जाओ और शुरुआत वहीं से करो। आपकी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना उमर उल्टे पांव बहनोई के घर पहुंचे। उस वक्त उनके बहनोई सईद बिन जैद और फातिमा बिनते खत्ताब के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खब्बाब बिन अर्द भी मौजूद थे। खब्बाब बिन अर्द उन्हें कुरान सिखा रहे थे। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अब आप घर के एक हिस्से में छिप गए। फातिमा ने कुरान के औराक छिपा दी है, लेकिन उमर तिलावत की आवाज़ सुन चुके थे। अंदर पहुंचकर पूछा, क्या पढ़ रहे थे? मुझे मालूम हुआ कि तुम मुसलमान हो चुके हो और अपने बाप दादा के मजहब से फिर गए हो। ये कहकर उन्होंने दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन के सर पर एक लकड़ी मारी, उनके सर से खून बह निकला। उस वक्त दोनों मियां बीबी के मुंह से निकला, हाँ ऐ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल पर हम ईमान ले आए हैं, तुमसे जो हो सके कर लो, इस्लाम तो अब हमारे दिलों से नहीं निकल सकता। हजरत उमर ने बहन का खून देखा और ये अल्फाज सुने तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया और बोले, अच्छा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। बहन ने औराक उन्हें दे दिया, उन पर सूरत तौहा लिखी हुई थी। उन्होंने उसको पढ़ा तो बेख्तियार पुकार उठे, वाह कितना उम्दा और आले दर्जे का कलाम है। क्या इसी से भाग रहे थे कुरैश? ये सुनकर खब्बाब बिन अर्द भी बाहर निकल आए और बोले, ऐ उमर, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को पूरी करने के लिए आपको चुन लिया है। मैंने कल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना है, इलाही अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को कुव्वत अता कर। क्या वाकई ऐसा कहा था? वल्लाह ही बिल्कुल यही कहा था। पास आए और उनसे कहा, उमर अल्लाह की तरफ आओ। ये सुनकर हजरत उमर फारूक ने कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अरकम में थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु खब्बाब बिन अर्द के साथ कमर में तलवार लटकाए वहां पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी।
एक सहाबी ने अंदर से झांक कर देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। खत्ताब तलवार लेकर खड़ा है। आपके चाचा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस वक्त वहां मौजूद थे। ये बहुत बहादुर थे, फौरन बोले उन्हें अंदर आने दो, नेक इरादा से आए तो ठीक वरना उन्हीं की तलवार से उनका सर उड़ा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया उन्हें आने दो। चुनांचे दरवाजा खोल दिया गया। उमर अंदर दाखिल हुए, आप उठकर उनकी तरफ बढ़े, उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचते हुए फरमाया, खत्ताब के बेटे तुम किस इरादा से आए हो? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं यकीन लाता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और उस पर भी जो आप पर नाज़िल होता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाहु अकबर फरमाया। बाकी सहाबों ने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। अब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कलीमा पढ़ा, फिर बोला, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक के रास्ते पर नहीं हैं? आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, जब हम हक पर हैं और काफिर गलत रास्ते पर हैं, तो फिर अपना दीन क्यों छिपाए? फिर हम क्यों छुप रहे हैं? आपने फरमाया, ऐ उमर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है और तुम देख ही रहे हो कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। सैयदना उमर ने ये सुनकर फरमाया, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं इस्लाम लाने से पहले जिन लोगों में उठता बैठता था, अब मुसलमान होकर उनके सामने जाऊंगा। इस पर तमाम मुसलमान दारे अरकम से दो सफे बनाकर निकले। काबे की तरफ रवाना हुए। एक सफ में उमर थे और दूसरे में हमजा। सबने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। कुरैश ये देखकर तैश में आ गए। उस वक्त तो कुछ न कहा, लेकिन जब सैयदना उमर तनहा नजर आए तो उन पर हमला कर दिया। उन्होंने भी डटकर मुकाबला किया और आखिरकार फिर उन्हें छोड़कर चले गए। ये वाकया नबुव्वत के छठे साल पेश आया। दोस्तों, अगर आपको हजरत उमर के ईमान लाने का वाकया जरा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।